नमस्कार। आप लोगों ने साढ़े सत्ती के बारे में बहुत सुना होगा। लोग कह रहे होंगे साढ़े सत्ती ऐसे ये हो रहा है या साढ़े सत्ती की वजह से ये हो रहा है या आपके पास साढ़े सत्ती चल रही है। मैं आपको एक बहुत सिंपल वे में क्लियरिफाई कर देता हूँ। देखो, साढ़े सत्ती बेसिकली इज अ ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट सैटर्न। चंद्रमा से वो पहले घर में, दूसरे घर में या तीसरे घर में जब चल रहा होता है ट्रांजिट में, तो उसको साढ़े सत्ती को माना जाता है, राइट। अब सिंपल प्रिंसिपल ये है कि सिर्फ साढ़े सत्ती के इफेक्ट्स को अगर हम माने तो ऐसा नहीं कि सिर्फ साढ़े सत्ती की वजह से ही कोई रिजल्ट आ गया, अच्छा या बुरा, ऐसा नहीं है, उसके बेसिस पे नहीं है। अगर हम हॉरोस्कोप की हम बात करते हैं प्रॉपरली, तो कंप्लीट हॉरोस्कोप क्या है, कौन सी दशा चल रही है एंड देन ट्रांजिट क्या चल रहा है। सो फर्स्ट इज द हॉरोस्कोप, सेकंड इज द दशा एंड थर्ड इज द ट्रांजिट। तो साढ़े सती बेसिकली ट्रांजिट में आती है। तो ड्यूरिंग द साढ़े सती ट्रांजिट, यानी कि जो शनि का ट्रांजिट है चंद्रमा के हिसाब से जो अब चल रहा होगा, वो डिपेंड करता है उसके रिजल्ट क्या आएंगे। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि एक तो सैटर्न की खुद की क्या नैनो एस्ट्रोलॉजी में उसकी क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, वो नक्षत्रास उपनक्षत्रास में कहां पे वो प्लेस्ड है। सेकंड इज कि कौन सी प्लैनेट्स के साथ बैठा है। थर्ड इज कि दशा क्या चल रही है। जैसे दशा चल रही है उसके हिसाब से भी जो ट्रांजिट के रिजल्ट आते हैं। सो इट इज नॉट ऑलवेज कि भाई साढ़े सती में अगर बुरा ही रिजल्ट आएगा या ये वाले टाइम पे अच्छा आएगा, वो डिपेंड करता है ओवरऑल हॉरोस्कोप पे, दशा पे एंड देन साढ़े सती पे। जब मैं साढ़े सती रिपोर्ट बनाता हूँ जो हमारी वेबसाइट पर आप ऑर्डर कर सकते हो, उसमें मैं प्रॉपर तरीके से ना पूरे हॉरोस्कोप को, दशा को एंड देन साढ़े सती के इफेक्ट्स को फिर चेक करता हूँ, तब बताता हूँ। ऑल यू नीड टू डू इज कि azinesha.com पे जाओ और नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कर लो, आपको साढ़े सती रिपोर्ट मिलेगी और फ्री में भी साढ़े सती आप चेक कर सकते हो कि है या नहीं है, वो भी हमारी फ्री यूटिलिटी अवेलेबल है।